हाय एवरीवन, मैं हूं नौशाद फ्रॉम वनरूफ आर्किटेक्ट्स। तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एक लाइव प्रोजेक्ट है जो हमारे पास आया था रिसेंटली, अभी कुछ दिनों पहले। तो ये जो आप स्क्रीन में इमेज देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, जो आप क्लाइंट ने इतना काम करवा चुके हैं, इस स्टेज पे हमारे पास काम आया था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एलिवेशन के लिए उन्होंने कुछ भी स्लैब बाहर नहीं किया हुआ, और ये बीम जो है ये प्लेन डली हुई है सारा कुछ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, सेम इतना काम हो चुका था। और ये इस स्टेज पे था ये काम। कॉलम भी ऊपर के हमारे पूरे जो है फिलिंग हो गई थी कॉलम की, कॉलम भर चुके थे पूरे ऊपर तक। तो अब इसमें जो टास्क था, इन्होंने जो पुरानी अपनी प्लानिंग करवाया था इससे पहले, जो हमसे पहले जो उन्होंने प्लानिंग करवाई थी, वो कुछ ये प्लानिंग करवाया था इन्होंने। तो इन्होंने मिस्टेक क्या कर दी, मतलब इन्होंने जो स्पेस बढ़ाया, जो ड्रॉइंग रूम आप देख रहे हैं ये वाला ड्रॉइंग रूम, इस ड्रॉइंग रूम के स्पेस को इन्होंने, सीढ़ी का जो स्पेस था, स्टेयर के जो स्पेस, इसको कम करके इन्होंने ड्राइंग रूम का स्पेस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो जिसकी वजह से इनको फर्स्ट फ्लोर में प्रॉब्लम आई प्लानिंग में, क्योंकि इन्होंने स्टेयर में चेंजेस किया था और फर्स्ट फ्लोर की जो प्लानिंग थी इनको चेंज करना था, क्योंकि कॉलम खड़े हो चुके थे जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस स्टेज पे था सारा कुछ काम। अब यहाँ पर हमने इसको कैसे डील किया वो हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमने प्लानिंग क्या की। ठीक है, अब प्लानिंग देख लेते हैं। ये इनकी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग थी जो पहले किसी एसोसिएट से इन्होंने करवाया है। इसमें चेंजेस होने के बाद जो हमने प्लानिंग किया इनकी, वो प्लानिंग मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्लानिंग किया है इनकी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने प्लानिंग की, फिर इनकी हमने फर्स्ट फ्लोर का प्लान किया हुआ है। सीढ़ी की पोजीशन देखिए, दोनों ही प्लान में चेंज है। इस प्लान में सीढ़ी की पोजीशन ऐसी है, लेकिन उन्होंने सीढ़ी की पोजीशन एक्चुअल में इस तरह से की हुई। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम से उन्होंने ग्रिड से हटा करके उसको सीढ़ी को किया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी उन्हें, इस वजह से उनका स्पेस प्लान प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो आइए देखते हैं अब इसका हमने एलिवेशन जो बनाया है वो कैसा बनाया है, और किस तरह से इसको हमने लुक दिया है, मॉडर्न लुक में इसको कवर किया है। ये हमने उनको एलिवेशन दिया हुआ है बनाकर, ये फाइनल किया है जो क्लाइंट ने, एक ही बार में हमारा फाइनल हुआ है एलिवेशन। यहाँ पर मैं हमने क्या क्या किया है वो भी आप देखेंगे, और इसको किस तरह से हमने स्केचअप में मॉडल किया है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। लाइव प्रोजेक्ट है, तो इसकी आने वाली वीडियोज में मैं साइट विजिट भी होगी हमारी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और कंप्लीट होने के बाद में एक्चुअल जो ये बन रहा है कंप्लीट, मैं आपको वो भी फ्यूचर में शेयर करूंगा, है ना। सो यहाँ पे देखिए, ये एमएस की ग्रिल लगाई हुई है हमने पूरी, और ये एमएस की स्क्रीन स्पेस को हाईलाइट करने के लिए स्क्रीन को हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। इसके साथ में हमने ग्लास की रेलिंग लगाई हुई है, और इस जगह पर यहाँ जो ओपन स्पेस था इनका एलिवेशन में, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये जो पोजिशन थी उनकी एलिवेशन में, ये वाला जो ओपन स्पेस था, यहाँ पर हमने आयरन पाइप का यूज किया है, एमएस पाइप का, जो कि रहेंगे हमारे 2 इंच के आसपास रहेंगे। ये 2 इंच के एमएस पाइप का यूज किया है। यहाँ पर हमने 4 इंच सी चैनल का यूज किया है, जो कि मैं ग्राउट करवाऊंगा इनकी बीम में, जो हैंग होगा हमारा 2 फीट के आसपास, है ना। देखेंगे हम आगे क्या होता है। यहाँ से बीम निकाला हुआ है हमने, एंड देन थीम को मैच करने के लिए इसी सी चैनल को हमने ऊपर भी हैंग किया हुआ है। ये सी चैनल बीम में हैंग होगा, एंड देन उसके नीचे हम एचपीएल की या फिर पीवीसी की या फिर वॉक्स सीलिंग करवाएंगे, है ना। हम देखते हैं इसको एलिवेशन को हमने स्केचअप में कैसे क्रिएट किया है इसको। ये मैंने लूमियन से रेंडर किया एक्चुअली, तो आने वाली वीडियोस में हम लूमियन का भी ट्यूटोरियल सीखेंगे। पहले हम लैंडस्केप को पूरा कंप्लीट करेंगे, एक्सटीरियर अभी कर रहे हैं हम, आने वाली वीडियो में फिर हम इंटीरियर करेंगे, फिर हम लूमियन पे जाएंगे। बहुत बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। आइए देखते हैं, हम स्केचअप पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने ग्राउंड फ्लोर का मॉडल कर लिया है कंप्लीट। अब जो हमने ऊपर की प्लानिंग की है फर्स्ट फ्लोर की, अब उसको भी देखेंगे। अब इसमें मैं स्लैब क्रिएट करूंगा, कैसे करेंगे वो, रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहां से रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा, एंड देन इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर लूंगा। ये मॉडल मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कैसे करना है, तो यहाँ पे आप उसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं मॉडलिंग के लिए। एक मैंने आपको एक्सटीरियर मॉडलिंग का पूरा 3 पार्ट में मैंने बताया हुआ है, रेंडर तक बताया उसको मैंने, लैंडस्केप से कैसे रेंडर करना है, पहले मॉडल कैसे करना है, प्लानिंग को कैसे इम्पोर्ट करना है, वो सारा कुछ है। तो आप उसको देख सकते हैं जाकर के। यहाँ पे मैं 5 इंच स्लैब की थिकनेस रख रहा हूँ, जैसा कि हमने वहां पे देखा एट साइट जो हमारा एक्चुअल हुआ है वो कुछ इस तरह से था। मैं आपको एक बार और फोटो दिखा देता हूँ, ये हमारा एक्चुअल फोटो है ये, और इसी को हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, है ना। अब हम ऊपर की प्लानिंग लेके आएंगे फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग लेके आता हूँ, यहाँ से मैं इम्पोर्ट करूंगा, और ये मैंने कैड में बना रखी है,
तो यहाँ से ये इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट कैसे करना है ये भी मैंने बताया हुआ है, तो जिसको नहीं पता है वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाकर के। इस मॉडल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा एंड देन क्या करूँगा, इसको मैं मेक ग्रुप कर लूँगा। मेक ग्रुप कर लिया मैंने, अब यहाँ पे मैं वॉल क्रिएट करूँगा और इसको भी मैं ग्रुप में करूँगा। अच्छा एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि स्केचअप में कोई भी काम करना है आपको ग्रुप में करना है, और जो चीज़ें बार बार रिपीट हों उसको कंपोनेंट करना है। ओके यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा वॉल्स, हमारी ओपनिंग्स वगैरह ये सब कुछ बना लूंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से बना लेता हूँ ये सारा कुछ, इसके बाद हम डिज़ाइन डालना सीखेंगे। ये मैंने बना लिया है, इसमें मैंने आउटर इसलिए बनाया है क्योंकि हमने एलिवेशन दिखाना है, तो हम आउटर पार्ट को ही दिखाएंगे, इंटरनली अभी वॉल्स वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि इंटीरियर अभी इसमें शो नहीं कर रहे हम। सो जल्दी काम हो जाए इस वजह से हमने ऐसा किया हुआ है। अब इसको मैं मेक ग्रुप में सारा कुछ ग्रुप में बनाया हुआ है मैंने, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से मैं उठा करके ले जाऊंगा इस पोजिशन पे, ये मैंने प्लेस किया, ये हमारा हो गया। एंड देन यहाँ से मैं इस स्लैब को लूंगा और इसको भी मैं कॉपी करूंगा, है ना, कंट्रोल के साथ मूव करूंगा तो वो कॉपी जनरेट होगा, स्केचअप मॉडल में आपने देखा होगा। तो ये मैंने अभी यहाँ तक बना लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इतना काम हमारा हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब एलिवेशन में डिजाइनिंग डालना चालू करूंगा। ये मैंने ओपनिंग्स वगैरह सारा कुछ बना लिया हमारे शेड्यूल के हिसाब से। अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सी चैनल बनाने जा रहा हूँ, है ना। सी चैनल कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं 4 इंच की सी चैनल लूंगा, स्लैब थिकनेस की ले लेते हैं 5 इंचेस की। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट डाल दी है इसकी 4 इंचेस। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, डबल क्लिक करके मैं ग्रुप कर लूंगा और यहाँ से इसकी प्रोफाइल जनरेट करूंगा, जो प्रोफाइल होती है ना सी चैनल की ये। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक एल का लाइन कमांड लूंगा और यहाँ से जितना मुझे कैंटिलीवर करना है, मुझे 2 फिट करना है मेरे इस केस में, यहाँ से मैं 2 फिट को ये करा और 2 फिट दे दूंगा, यहाँ से मैंने 2 फिट किया। अब यहाँ से मैं इस कॉलम, ये जो हमारा कॉलम दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा एसेंट्रिक हो गया है तो इसको सही करना है, ये जो हमारा कॉलम दिखाई दे रहा है इस पॉइंट तक लेकर आना है मुझे। यहां से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट तक शिफ्ट प्रेस करूंगा, रेड डायरेक्शन में जाएगा, रेड एक्सिस में, यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहां पे मैं ग्रीन एरिया लेके, ये मैंने क्लिक किया, ये इतना काम हमारा हो गया। यहां पे मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट किया मैंने। एंड देन यहां पे हमारे पास मिलता है हमको फॉलो मी टूल, यहां पे फॉलो मी पे क्लिक करूंगा और यहां पे सिंपल सिंगल क्लिक करना है हमने। ओके ये हमारी सी चैनल प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। ओके अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पे कलर दे देता हूँ मैं अभी, ये मैंने कलर को चूज किया, यहाँ पे मैं हल्का ब्लैक शेड में लेता हूँ क्योंकि वो ब्लैक नहीं जाता। ये सी चैनल हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये यह इस स्लैब वाला जो एरिया है इसको मुझे एक्सटेंड करना है, सी चैनल पे मैं लूट डाल के एक्सटेंड करूंगा। सबसे पहले मैं ये कॉलम को ठीक कर लेता हूँ, कॉलम की प्लेसमेंट सही कर लेता हूँ, ठीक है हो गया हमारा। अब इस स्लैब पे मैं कट कर दे रहा हूं यहां से, आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, नया कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, मैं अभी फिलहाल इसमें कर रहा हूँ, ये ज्यादा आसान पड़ता है एक्चुअली। यहां से मैं इसको सी चैनल के अंदर कर दूँ, ठीक है, हमें हर हर बारीकी पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके इतना काम हो गया हमारा। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पे मुझे वॉल क्रिएट करनी है, रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहां पे नई वॉल ड्रॉ करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप करूंगा एंड देन इसको मैं 3 फिट हाइट तक उठा दूंगा। ठीक, ये हमारा 3 फिट तक उठ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे डीपीसी बाहर निकालनी है, ये मैं 5 इंचेस लूंगा से 5 इंचेस, ये रेक्टेंगल कमांड लूंगा, यहाँ से ही कर दिया ड्रॉ। अब ये इसको भी डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर लूंगा। आपको हर चीज ग्रुप में ही बनानी है और जो चीजें रिपीट बार बार रिपीट हो उसको आपको कंपोनेंट करना है। ये मैंने 1 फिट का प्रोजेक्शन कर लिया। अब इसको क्या करूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, ये हम ब्रिक वर्क में करवा के फिर उसके ऊपर से हम निकलवाएंगे, है ना छज्जा। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी मैं थिकनेस प्रोवाइड कर देता हूँ, सेम थिकनेस 5 इंचेस दूंगा। इसको मैं लेके जाता हूँ टॉप लेवल, हमारा वेंटिलेशन के टॉप लेवल तक, यहाँ पे जो विंडो है हमारी वॉशरूम की, इसके टॉप लेवल तक लेकर जाता हूँ। यहाँ से फिर मैं लाइन कमांड लेता हूँ 5, ये देखिए सेम थिकनेस रखनी है हमने, है ना, तभी हमारा एलिवेशन का लुक है जो वो सेम आता है, बहुत अच्छा दिखता है, सारी तरफ से शेप बहुत अच्छी होना चाहिए तभी बहुत एक लुक आएगा अच्छा खुल के। 5 इंच की थिकनेस रख रहा हूँ ये सारा कुछ मैं। अब यहाँ से मैं थिकनेस को लेके जा रहा हूँ, ये कर देता हूँ। ओके ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैं
क्लियर कर देता हूँ। अब जो ये खाली वाला पोर्शन दिख रहा है हमारा, हम क्या करेंगे, ये जो हम छज्जा निकालेंगे, इस छज्जे को हम क्या करेंगे, इसको यहां से एक्सटेंड करके बाहर से निकालेंगे, सीधी सी बात है वो। तो ये बीम लेवल से मैं टच कर देता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं, इसमें रेक्टेंगल कमांड लूंगा और ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, इस ये छज्जे के ऊपर ब्रिक वर्क करवा देंगे। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे करना है। ये छज्जा जो हम निकालेंगे, यहां से हमने स्लैब निकाला छज्जा, और इसके ऊपर जो जगह बची हमारे पास अराउंड 10 इंच के आसपास जगह बचेगी, ये जो है ये इस पे मैं ब्रिक वर्क करवा दूंगा और फिर इसके ऊपर हम बीम रख देंगे हमारा स्लैब बीम। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन को मैंने प्लांटर किया हुआ है। अब यहां से कुछ नहीं करना मुझे, मैं रेक्टेंगल कमांड लूंगा, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, यहां से मुझे क्लिक करना है लाइन को, जो हमारी कॉर्नर है उसको एफ प्रेस करूंगा। एफ मतलब होता है हमारा ऑफसेट, इसको मैं 5 इंच का ऑफसेट दूंगा, जो सिंगल ब्रिक वर्क होता है ना 5 इंच, उसको 1 फिट के अराउंड इसको मैं उठा दूंगा। सही लग रहा है ये। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 इंच और दूंगा, और ये जो 2 इंच मैंने बढ़ाए हुए हैं, इसकी हम ग्रेनाइट की बॉर्डर करेंगे, ग्रेनाइट स्टोन पे करेंगे, है ना। ये बॉर्डर जो बनाएंगे हम ग्रेनाइट पे करेंगे, क्योंकि प्लांटर है, प्लांटर को हम ग्रेनाइट लगाएंगे प्लांटर पे, तो क्या होगा हमारी जो वॉल्स हैं वो सेव रहेंगी, और जो है जब हम उस पर पानी वगैरह करेंगे तो वो खराब नहीं होगी। ये इतना काम हो गया हमारा। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करते जा रहा हूँ, आपको याद रखना है कंट्रोल एस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो ये है, यहाँ पे मैं इस स्लैब को क्या करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल कमांड को लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और ये स्लैब पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने मैक ग्रुप किया, ये मैक ग्रुप, और इसको 2 इंच जो है वो मैं आगे करूंगा, लेवल उसका अप करूंगा 2 इंच। ये जो 2 इंच है ये हम प्लास्टर से करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, इतना चीजें तो बन चुकी है हमारी नीचे की। अब हम ऊपर में चेंज कर सकते हैं, ऊपर का स्लैब कर सकते हैं, ऊपर का ब्रिक वर्क। क्या है, क्लाइंट ने तोड़ फोड़ करने से भी मना किया है कि हमें ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं चाहिए, डिजाइन भी अच्छा चाहिए। तो ये चीजें फाउंडेशन होती है कुछ, जो हमें लिमिटेशन रहती है उसके हिसाब से काम करना रहता है। ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है। सो जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम आगे, इतना काम हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये सी चैनल जो हमने नीचे दिया है ये हमें ऊपर के स्लैब में भी देना है। तो मैं क्या करूंगा, अब की बार जो हम सी चैनल देंगे ये हम बीम में ग्राउट करेंगे। बीम में ग्राउट करने से क्या होगा, जो हमारा सीलिंग का लेवल है वो हमारा अच्छे से आएगा। सीलिंग जो है हमारी बिल्कुल बीम लेवल से होगी, बीम बीच में नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम बीम को कैंसिल भी नहीं कर सकते। ये बीम लेवल, और इससे मैं 2 इंचेस नीचे कर दे रहा हूँ डाउन, ओके। ये हम बीम से फिलिंग करवाएंगे। अब यहां से मुझे क्या करना है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये हम बीम में से कंक्रीट को बाहर लेंगे, इसको डबल क्लिक करूंगा, मैं ग्रुप करूंगा। आपको ग्रुप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ। ये हमारा सीलिंग लेवल हो जाएगा, जो हम HPL की सीलिंग कराएंगे, HPL शीट की, ये हमारी सीलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और हो रही है ना, उसको कैसे करना है हमें वो देखेंगे। अब यहाँ से जो बीम हमारा आएगा, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। बीम को मुझे प्रोजेक्शन बाहर निकालना है, 1 फुट का हम टोटल बीम देंगे यहाँ से, 8 इंचेस, 200 mm। तो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, डबल क्लिक करूंगा, मैं ग्रुप करूंगा, और इसको मैं यहाँ से, ये 1.5 फिट हमने निकाला हुआ है 18 इंच, तो इसको मैं निकाल दूंगा 30 इंचेस नाम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सेम थिकनेस प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तक ले आऊंगा, कॉलम तक हमने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलम टू कॉलम हमारे बीम आएंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ से मैं 1 फिट लूंगा, जब तक आपको स्ट्रक्चर का पूरा नॉलेज ना हो, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आपने नहीं करने हैं, या तो फिर आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपको कंसल्ट करना है। ये मैं स्केल करूंगा, तो ये हम क्या करेंगे, जो है सी चैनल हमारा यहाँ तक ले आएंगे बस, इसको और कुछ भी नहीं करेंगे। इसको मैं पुश पुल कमांड लूंगा और सी चैनल के अंदर तक में इसको कॉन्क्रीट लाएंगे, ये कुछ इस तरह से। अब जो ये पोर्शन है ये हमारा खाली खाली सा पोर्शन है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और आगे निकालूंगा। अभी 30 इंचेस हमने निकाला हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको 3 फिट कर लेते हैं, यस। और ये जो हमने 2 फिट निकाला हुआ है, इसको हम और कम कर लेंगे थोड़ा सा, भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इसको मैं 6 इंच और कम कर लेता हूँ, इस वाले को भी मैं 6 इंच और कम करूंगा, कंट्रोल एस। इतना काम हमारा हो गया है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, बीम्स ड्रॉ करूंगा।
हाँ से जो हमने सपोर्ट देते हैं ना परगोला स्टाइल में जो अभी वैसा करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका सेंटर ले लूँगा, ये सेंटर लिया मैंने यहाँ से 4 इंच इस तरफ, 4 इंच इस तरफ, ये हमारा हो गया 8 इंचेस, 8 इंचेस ये हम बीम ड्रॉ करेंगे इस पर सपोर्ट बीम। सपोर्ट बीम को डबल क्लिक करूँगा, मेक ग्रुप कर लूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं कर लूँगा ओके। सो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मुझे पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं मूव कमांड लूँगा और यहाँ पे मैं 3 फीट के आसपास ले लूँगा इस तरफ, और मूव टू लेके 3 फीट इधर कर लूँगा। ये गाइड को मैं डिलीट कर दूँगा टेप टूल से, ये हमारा लुक आया है यहाँ तक। अब फिर से मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पैरापेट वॉल क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, पैरापेट वॉल क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस स्लैब का जो लेवल है, यह स्लैब लेवल को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा आगे की तरफ पैरापेट में लुक देने के लिए। इसको मैं 15 इंचेस के अराउंड में बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से क्या करूँगा, इस पैरापेट को भी आगे ले आऊँगा, और जो ये पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, इस पर मैं ग्रिल कर लूँगा, ग्रिल डिज़ाइन करूँगा। इसको मैं 8 इंच ब्रिक वर्क करवाऊंगा, यहाँ से इसकी थिकनेस जो है 8 इंचेस रखेंगे, क्योंकि तो प्लास्टर के साथ हमारी 9 इंचेस आएगी। इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे। अब जो ये हमारा कॉलम लेवल है, ये जो सी चैनल हमने बनाया था, यहाँ से हमें ब्रिक वर्क करवाऊंगा मैं, तो ये ब्रिक वर्क होके आएगा इस लेवल तक। यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर लिया, और ये पूरा जो है ये थ्रू आउट मैं यहाँ तक ऊपर तक लेकर जा रहा हूँ ओके। अब इस वाले पोर्शन को मैंने 1.5 फिट बढ़ाया हुआ था, यहाँ से मैं 6 इंच और पीछे कर लेता हूँ इसको, सही है। इसको 6 इंच ना करके मैं यहाँ पे 4 इंच ही लेता हूँ, तो ये लेवल हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा जिस तरह। अब इस वाले पोर्शन को जो हमने बढ़ाया हुआ है, इस वाले पोर्शन को मैं 1.5 फिट हाइट और दे दूंगा, और इस वाले पोर्शन को मैं और ले आऊंगा 1.5 फिट, ये हमारी 3 फिट की वॉल हो जाएगी ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मैं 2 इंच और पीछे कर लूँगा, सिर्फ 2 इंच और पीछे किया है ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस पैरापेट पे मुझे डिज़ाइन चाहिए है, इसको सिंपल ही रखेंगे हम, बहुत सिंपल रख रहे हैं इसको हम। यहाँ पे मैं ये लाइन को क्लिक करूँगा, यहाँ पे 4 इंच का ऑफसेट देता हूँ, और इसको मैं 4 इंचेस बाहर कर देता हूँ जो हमारे DPC से बाहर होगा। अब जो ये वाला जो स्लैब है, इस स्लैब को भी मैं 4 इंचेस बाहर कर लेता हूँ ऐसा कुछ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वॉल क्रिएट करूँगा इस पोजिशन से लेकर के इस पोजिशन तक। इसको डबल क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप कर लूंगा, और पुश पुल कमांड की हेल्प से इसको मैं टॉप लेवल तक ले आऊंगा। यहां से मैं 1 फिट इसको अप करूंगा। अब जो ये हमने 4 इंच बढ़ाया हुआ था ना, इसको मैं 2 इंच और पीछे कर देता हूँ, तो ये लेवल हमारा आगे पीछे हो गया। ये प्रैक्टिकली बनाने में पॉसिबल हो जाए तो ये हो गया हमारा, है ना। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल लेके कटआउट दे देता हूँ, थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा हमारा। यस, कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ें की हैं, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारी रेलिंग लगनी है, इस वाली पोजीशन पे रेलिंग लगनी है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्रिक वर्क करवा देता हूँ, ब्रिक वर्क किया मैंने, यहाँ से मैं इसको 1 इंचेस अप करूँगा ठीक है। इसको मैं 2 इंचेस और ले लेता हूँ, इसको 10 इंचेस कर लेते हैं हम, 2 इंच और कर लिए, वापस से कंट्रोल एस करूंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं स्क्रीन क्रिएट करूंगा। ये जो हमारा ओपन पोर्शन है, ये हमें सेमी कवर्ड चाहिए, है ना। सो यहाँ पे देखिए कैसे करना है उसको। यहाँ पे मैं गाइड ले लूंगा टेप टूल की हेल्प से, मार्किंग कर लूंगा, सेंटर पॉइंट लूंगा, इसको मैं 1 इंचेस देने वाला हूँ, और इस पोजिशन में यहाँ से 2 इंचेस का इसको गैप रख रहा हूँ, मतलब 2 इंचेस की स्पेसिंग है। यहाँ पे मैं 2 इंच के पाइप को यूज करूंगा। यस,
अभी ये मुझे बार बार यूज करना है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप करूंगा एंड देन कंपोनेंट कर लूंगा। इसको मैं कंपोनेंट कर लिया और ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इनटू करूंगा और इसको 10 टाइम्स करूंगा, एंटर कर दूंगा। ये 10 टाइम्स हो गया हमारा। अब मैं फिर से कॉपी जनरेट करूंगा, ये कॉपी किया, क्लिक किया, अब मैं इनटू प्रेस करूंगा यहाँ पे, फिर अब 20 कर देता हूँ मैं, थिंक ये आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा और रह गया, तो इसको मैं मैन्युअली कर लेता हूँ। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मैं आपको लूमियन का भी रेंडर बताऊंगा आने वाली अपकमिंग वीडियोज में। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डाउट हो आपका आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। सो ये देखिए यहाँ पे मैं पुश पुल करूंगा। अब ये जो है हमारा जो हमने कंपोनेंट बनाया है ना, ये कंपोनेंट की हेल्प से होता है। जो आप नए व्यूवर्स हो या नए देख रहे हो, बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बता दूं, कंपोनेंट ऐसी चीजों को हमने बनाना है जो हमने बार बार यूज करना है, जो हमें हमारी जो है एक ही थीम रहनी है उसको कंपोनेंट रखना है। जैसे ये पाइप जो यूज किए हैं मैंने 2 इंच वाले, ये पाइप मुझे मल्टीपल यूज करना है, इसीलिए मैंने इसको एक को कंपोनेंट बनाया। अब मैं एक में जो भी चेंजेस करूंगा ना, ये सारे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा चेंज। तो ये कंपोनेंट की हेल्प से हमारी मॉडलिंग आसान हो जाती है। यहाँ पे मैं पुश पुल करके ये ऊपर ले जाऊंगा। यस, ये हमारी स्क्रीन क्रिएट हुई है। ये जो पाइप्स हैं ये मॉडर्न है, ट्रेंडी हैं और बहुत अच्छी लुकिंग आती है इनकी। सो मैं आपको मटेरियल्स वगैरह कैसे इसको प्लेस करना है ये सारा कुछ बताते जा रहा हूँ एक साथ एक ही वीडियो में। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे हम। इसको मैं अराउंड कर लेता हूँ 4 फिट 6 इंचेस। यस, रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा इस वाले पोर्शन तक। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है फुल कमांड की। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप करूंगा, यहाँ पे एफ प्रेस करूंगा, एफ फॉर ऑफसेट, ऑफसेट में दूंगा यहाँ पे 2 इंचेस। यस, 2 इंचेस का ऑफसेट हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब जो ये हमारा पोर्शन है यहाँ पे मैं 1 इंचेस की, 1.5 इंचेस की स्पेसिंग दे रहा हूँ एंड देन 1 इंचेस के पाइप्स को यूज करूंगा। ठीक, अब जो ये मेरे पाइप्स हैं मैं इसको अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। इसको मैं वापस से डिलीट करूंगा, इसको मैं वापस से डिलीट करूंगा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेक ग्रुप एंड देन मेक कंपोनेंट। यस, अब जो ये वाला पोर्शन था हमारा, इसको भी मैंने ग्रुप किया, मैं डबल क्लिक करूंगा, इस ग्रुप को पुश पुल करके 1 इंच आगे कर दूंगा अप। ओके, इस वाली पोजीशन को भी मैं 1 इंच आगे, इस वाली पोजीशन को मैं 1 इंच आगे कर दूंगा। यस, ये हो गया। अब मैं इसको क्या कॉपी जनरेट करूंगा इसकी, यहाँ पे मैं मूव टूल की हेल्प से, कंट्रोल की हेल्प से, ये किया मैंने, इनटू किया 20 टाइम्स एंड एंटर। ये देखिए ये हो गया हमारा। यहाँ पे मैं फिर से करूंगा, इनटू किया मैंने एंड 20 एंड एंटर। बहुत इजी हो गया, बहुत आसानी के साथ हो गया ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये अच्छे हो रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने अभी 1 इंच किया हुआ था है ना, इसको मैं 1 इंच और कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा लेवल आगे पीछे हुआ है ये बहुत ही अच्छा लगेगा, जब बनने के बाद में बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, देख लेते हैं। अब ये हमारी स्क्रीन हो गई फ्री, मैं इसके सेंटर में लेकर जाऊंगा। ये होगी हमारी स्क्रीन क्रिएट, ये बहुत अच्छे से हो गया है हमारा काम। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा और मुझे वाइट चाहिए था, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां से मैं टेप टूल की हेल्प से इसको 5 पिट्स कर लेता हूँ। यहाँ पे एस फॉर स्केल, सेंटर पॉइंट से लेके मैं यहां तक एक्सटेंड कर दूंगा। यस, कंट्रोल एस, ये हमने इतना काम किया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये जो हमारी जगह बच रही है इस पर भी मैं प्लांटर बनाऊंगा, एक प्लांटर क्रिएट करूंगा इस लेवल पे, डबल क्लिक करूंगा, मैं ग्रुप कर लूंगा, ऑफसेट की हेल्प से 5 इंचेस का ऑफसेट दूंगा, लाइन कमांड लूंगा। देखिए बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखना है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना है। इसको मैं पुश पुल की हेल्प से इस हाइट तक ले आऊं, ठीक, ये मैंने इससे थोड़ा सा नीचे रखते हैं इसको 3 इंचेस के आसपास। यस, ये हमने इसको क्रिएट किया, कंट्रोल एस कर लूंगा। अब हमें ऊपर की ग्रिल बनाना है, ये भाई
पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे भी मैं सेम स्पेसिंग जो हमने स्क्रीन बनाई है ना उसकी सेम स्पेसिंग दूंगा। इसको मैं दे रहा हूँ 1.5 इंचेस की, यहाँ से मैं 1 इंचेस, इसको मैं 1 इंचेस, 1 बाई 1 का हमारा चौरस पाइप बोलते हैं इसको, ये मैं ग्रुप कर लूंगा, मैं कंपोनेंट कर लूंगा क्योंकि मुझे बार बार यूज करना है इसको, है ना। मूव टूल की हेल्प से मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर दूंगा, इनटू करके 10 करके एंटर कर दूंगा। यस, ये हमारी कॉपीज जनरेट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एल कमांड लूंगा, लाइन कमांड, और यहाँ पे मैं सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। इस पोजिशन में शिफ्ट के साथ में मुझे यहाँ पे चाहिए कि इस पोजिशन में, यहाँ से ये इस पोजिशन में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, जो सी चैनल में हमने जो चीज़ यूज की थी ना फॉलो मी कमांड का, वो यूज करेंगे हम सेम। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, फॉलो मी कमांड पे गया, और ये मैंने फॉलो मी किया। यस, ये बहुत अच्छे से हो गया। अब जो ये एक है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन जनरेट। अब इसको क्या करूंगा, सपोर्ट पाइप्स जो लगेंगे वो भी हमने देने हैं। यहाँ पे मैं सपोर्ट पाइप ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इसको भी मैं मेक ग्रुप करूंगा, एंड देन मैं कंपोनेंट इसको करूंगा, मैं यहाँ से पुश पुल करके मैं यहाँ पे इसको टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा क्योंकि सपोर्टिव है, सपोर्ट के लिए। इसको मैं इस तरह से प्लेस कर दूंगा। ओके, अब मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करूंगा। इस तरह आएगा, कंट्रोल एस करूंगा, यहां पर ये कितनी चीजें हमने कर ली है ना। अब जो ये है नेम प्लेट के लिए, यहां से मैं दूंगा इसको 2 फिट। यस, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको प्लास्टर में ही करवाना पड़ेगा हमको, हमारे पास ऑप्शन नहीं, तोड़ फोड़ होगी वरना। तो क्या करेंगे, डिलीट करके इसको मैं 2 इंचेस अप कर दूंगा, फिर इसमें ग्रेनाइट का काम करवा के हम तो आगे कर लेंगे। ये हमारा मॉडल जो है कुछ इस तरह से होगा। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, ये हमारा मॉडल जो है आई थिंक हो चुका है। अब हमें इसमें सीलिंग वगैरह देनी है, टेक्सचरिंग करनी है। ये जो हमने बनाया था ये वाला पोर्शन, ये हमने सीलिंग का किया था, ये इसको मैं पूरा ले जाऊंगा इस पोजिशन तक। और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको पोजीशन से पूरा यहां तक ठीक कर जाऊंगा। ये हमने सीलिंग जनरेट की है ना, ये बीम तक हो गया हमारा, बट है अब यहां पर भी मुझे वैसे ही करना है कि इस बीम से लेकर आऊंगा, मैं इस बीम तक लेकर आऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप कर लूंगा, इसको मैं कुछ लेवल इसका नीचे कर दूंगा, सीलिंग से लगभग, बीम से लगभग 1 इंच के आसपास, 1 से 1.5 इंच ये मैं नीचे कर दूंगा, डाउन लेवल को मैंने डाउन कर दिया। मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से देखिए ये एनस्केप का मटेरियल पैलेट है, या आपको अदर कोई लाइब्रेरी से यूज करना है, कोई अदर मटेरियल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। ये मैं वुड पर लेकर जाऊंगा, यहाँ से मुझे सीलिंग देनी है, मैं क्लिक करूंगा, इम्पोर्ट कर लूंगा इसको, यहाँ पर आ गया हमारा, ये हमने सीलिंग डाल दिया। अब इसमें सेम टेक्सचर यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगा, ये हमने सीलिंग को जनरेट कर लिया। अब इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्रोफाइल लाइट लगाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और इसको डबल क्लिक करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं 1 फिट की इसको ऑफसेट दूंगा, और ये 1.5 हमारी 30 से अराउंड 40 mm की हमारी स्ट्रिप आएगी। ओके, इसमें आप 25 mm वाली भी ले सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, कलर चूज करूंगा, यहाँ से कलर चूज करूंगा, जो भी कलर मुझे देना है, जिस कलर में इसको ग्लो करना है हमने, ये कलर मैंने चूज कर लिया, ये कलर डाल। अब जो ये बीम हमने दिया था, इस बीम को भी मैं ऐसे ही करूंगा सेम, यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ एफ फॉर ऑफसेट, ये ऑफसेट दिया, फिर यहाँ से मैं इसको ऑफसेट दे रहा हूँ, सेम कलर दूंगा, ये हमारा प्रोफाइल लाइट के लिए जनरेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपने देखा, कंट्रोल एस करूंगा। अब मुझे इसमें टेक्सचरिंग करनी है, कलरिंग करनी है, जैसा मैंने आपको बताया ना सीलिंग वगैरह ये सब कुछ करना है, तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ उसको कैसा क्या होगा, है ना। ये सारा कुछ आपने देख लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रेनाइट का कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टोन पे लूँगा, ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया है।
अब यहाँ पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, मैं टेक्सचर डाल रहा हूँ, है ना, टेक्सचरिंग करनी। देखिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना है ये वीडियो को और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ हमारी हो गई। अब जो ये वाला हमारा ग्रिल है, इसको हम सेम कलर देंगे जो हमने उस पर दिया हुआ सी चैनल पर हमारी। इसको मैं करूँगा, इसको सेम कलर दे दिया मैंने, सेम कलर दिया यहाँ पे, ये ग्रिल पे सेम कलर दे दूँ क्या मैंने। कंपोनेंट का फायदा देखिए, एक ही बार में हमने सारे कलर दे दिए, नहीं अलग अलग देनी पड़ती है हमें। करूँगा देन डबल क्लिक एंड देन। सो अब मैं इसमें विंडो वगैरह डोर वगैरह प्लेस कर लूँगा। ये कैसे करना है ये मैंने पुरानी वीडियो में मेरी बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो, उसको आप जाकर देख लें। अब क्या करूँगा यहाँ पर, मुझे ये वॉल जो है ये काफ़ी मतलब पैक्ड लग रही है, यहाँ पे सनलाइट का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रिल बना देता हूँ। इस कॉलम का हमने ध्यान रखना है, कॉलम का, और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। ये आपको मेजरमेंट से क्रिएट करना है, मैं अभी ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जो हमने ये पाइप प्लेस किए हुए सेम पाइप्स को लेकर आऊँगा। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये ट्रिक, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से जनरेट किया, यहाँ से मैंने ये रखा, इसको यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लूँगा। यस, किया हुआ है, यहाँ स्पेसिंग दे रहा हूँ, स्पेसिंग मैंने दे दी। यस, तो एक मिनट, यहाँ पे जो सिंगल है ये हमारा कंपोनेंट था, अब मैं इसको मेक यूनिक कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, इसमें मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो इधर नहीं होगा, मेक यूनिक हो गया। अब इसकी हम कॉपी जनरेट कर लेंगे, मल्टीपल कॉपीज जो है हम जनरेट कर लेंगे। अब इसमें मुझे ग्लास की रेलिंग लगानी है ना, तो मैं वो सब लगा लेता हूँ। आपको ग्लास रेलिंग कैसे बनाना है ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। ये हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एलिवेशन कम्प्लीट है ना। अब मैं इसमें टेक्स्चरिंग कर लेता हूँ, तो ये मैंने टेक्स्चरिंग भी कर लिया है, ये मैंने सीन भी बना लिया है, और यहाँ पे हमने कलर वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और ग्रिल वगैरह सब कुछ बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको मॉडल किया, ये हमारा कंप्लीट मॉडल है। ये देखिए सेम जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने विंडो लगाई है, विंडो के साइड में हमने जो कर्टेन है वो लगे हुए हैं, हमारी प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, हमारी लाइट्स लगी हुई है, ये सारी चीज़ें हमारी प्लेस हैं, है ना। अब देख लेते हैं इसका रेंडर जो हमने किया था, ये हमने रेंडर किया था, ये जो लूमियन से रेंडर हुआ है, जो कि इसका आने वाले वीडियोस में मैं लूमियन भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अभी एंडस्केप और स्केचअप में मॉडल कैसे करना है वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किस तरह से करना है। और ये रहा इसका वॉक थ्रू वीडियो जो हमने रेंडर किया। सो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट और एलिवेशन का डिजाइन कैसा लगा। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।